आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज और खबर मथुरा से है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मामले में मथुरा सत्र न्यायालय में हिंदू आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यदुवंशी अपना पक्ष रखने के लिए वाद दायर करने पहुंचे। हिंदू आर्मी के नेता के वाद दायर करने की खबर सत्र न्यायालय में चर्चा का विषय बन रही है। दरअसल यहां पर हिंदू आर्मी के नेता न्यायालय परिसर में घूमते ही एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम के नारे लगाते नजर आए, जिससे पूरा सत्र न्यायालय परिसर गुंजायमान हो उठा। सबकी नजरें नारे लगाते हुए नेताओं और समर्थकों पर टिक गई थी। दरअसल हिंदू आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परिसर में अपने कुछ समर्थकों के साथ में जमकर नारे लगाते नजर आए। इनको ना तो कोरोना की गाइडलाइन का कोई फर्क पड़ रहा था और ना ही न्यायालय की गरिमा का कोई ख्याल था। न्यायालय में जैसे मानो इन हिंदू नेताओं की राजनीति के चेहरे चमक रहे थे। वहीं न्यायालय परिसर की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा इन्हें रोकने टोकने की जहमत नहीं उठाई गई और ये नेता अपनी राजनीति न्यायालय परिसर में ही जमकर चमकाते नजर आए। जब इनसे मीडिया द्वारा बातचीत की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि वो कृष्ण के वंशज हैं और न्यायालय में कृष्ण जन्मभूमि के बराबर में बनी ईदगाह को हटवाने के लिए वाद दायर करने आए हैं। लेकिन मथुरा न्यायालय में अधिवक्ताओं की कंडोलेंस होने के कारण उनका वाद आज दायर नहीं हो पाया। हमारा वाद श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर है। हमने उसमें स्पष्ट कहा है कि मुस्लिम पक्ष के लोग अगर बैठ के बात करना चाहते हैं तो हमसे बैठ के बात कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी बैठ के बात करने आया था जब पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया, मुझे जेल भेजा गया। हम लोग उनको अपने हिंदू समाज के खर्चे से घर से चंदा एकत्रित करके उनको पैसा देने को तैयार हैं कि वो अपनी ईदगाह को तत्काल शिफ्ट कर लें यहाँ। हम उनको मथुरा में किसी जगह पर ज़मीन देने को तैयार हैं, ना कि सरकारी व्यय पे अपने खर्चे से चंदा एकत्रित करके उनको देने तैयार हैं कि आप उनको ईदगाह कहीं और बनवा लीजिए। इस पे अगर वो तैयार नहीं होंगे तो उसके लिए हम लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं और आंदोलनरत रहेंगे। पहले से एक याचिका लगी हुई है श्री कृष्ण विराजमान द्वारा डाली गई है, फिर उसके बाद आप डाल रहे हैं, तो क्या कुछ इतने समय बाद आप? श्री कृष्ण का वंशज हूँ, श्री कृष्ण जी यदुवंश बिलोंग करते हैं और मैं यदुवंश के मैं भी नाता रखने के नाते मैंने ये वाद दायर किया है। चूँकि मैं उनका वंशज हूँ तो इस लड़ाई को लड़ने का अधिकार उनके वंशज को ही होना चाहिए और अपने आराध्य अपने पूर्वजों की लड़ाई लड़ने का हमें हक है और ये हक हम ले रहे हैं। याचिका डाली है, इसमें क्या क्या मुख्य बिंदु आपने रखे हैं? मुख्य बिंदु हमारा श्री कृष्ण विराजमान है और ईदगाह तत्काल हटाई जाए वहाँ से, मुख्य बिंदु हमारा यही है और यही हमारी लड़ाई है कि हमारे आराध्य देव को मुक्त किया जाए, अतिक्रमण किया गया उनको, अतिक्रमण मुक्त कराना भी हमारा अधिकार है। जी, मेरे क्लाइंट श्री मनीष यादव जी जो लखनऊ से हैं, इन्होंने अपना पक्ष रखने के लिए माननीय सीनियर बेंच जज के यहाँ अपनी एक फ्रेश पिटीशन डाली गई है, जिसमें कि इन्होंने ये मांग की गई है कि कृष्ण जन्मभूमि जो कि एक तरह से अभी कई तरह से अतिक्रमण उन पर किया गया है, तो हम चाहते हैं कि मेरे याचिका में लिखा हुआ है कि वो अतिक्रमण मुक्त हो, तथा ज़्यादा से ज़्यादा श्री कृष्ण जन्मभूमि को सौंपी जाए। जैसा कि आज पूर्व भाजपा के जो विधायक हैं संजय कुइया जी, उनके देहावसान के कारण आज कंडोलेंस है, तो नई डेट माननीय न्यायालय ने 4 जनवरी निश्चित की गई है, तो अगली डेट 4 जनवरी 2021 को मेरे याचिक उच्च न्यायालय के समक्ष पेश होंगे तथा अपना माननीय अधिवक्ता के माध्यम से।